की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी, इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाऊंगी। आन धर्म जो मन बस है कोई करो नर नार, गरीब दास जिंदा कह है वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म धर्म मीन धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार यम द्वार नरक में जाओगा। कहे जो करुआ चौथ कहानी तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करुआ चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती व्रत करुआ चौथ का, रखते हैं अभी लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू कहा करती बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करुआ चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करुआ चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में आओगी। दुर्गा देवी भैरो भूता रात जगा में होए जो पूता, करे कढ़ाई लपसी नारी बूढ़े वंश ताही गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस नगरम अर्ता संगति डूबे सब नगरम। ओहो, अब दुर्गा ध्यान मैंने दुर्गा का जहाँ जागरण होता है, माता का जागरण आपने देखा होगा। कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस नगरम बगड़म, जिस बगड़ में, बगड़ मीन जिस कॉलोनी में, एक कॉलोनी में कहीं पर भी यदि दुर्गा का जागरण हो रहा हो माता का, उसकी संगत में कहते हैं सारा नगर डूब जाएगा। कैसे डूबेगा? क्यों ऐसे मीठी मीठी गाने गावे में फिल्मी तर्ज पे और तोड़ पाड़ दिया सारेंगी करा कई प्रकार के ढोलक पोलक बांध गए और उसने देखम देखा। फिर और दूसरे भी कहेंगे हमारे भी करना ये जागरण, जी हमारे भी करना ये जागरण, वो लफंडरा की खूब मौज हो जा। एक हमारा सेवक था, पहले थोड़ी ये संगत थी, हम घर घर जाते थे, वैसे बैठ आते थे कई बार उस भगत के घर पर। रात्रि के समय भी एक दिन हम गए हुए थे, हम चलन लागे, जब वो हो गया शुरू माता का जागरण, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो अगले बोलो पिछले बोलो, हमारा यूँ के हो रहा है। वहाँ टेंट से ला रखे, टेंट के चुकर कनासी बांध रखी, परली साइड में गेट सा था, इस साइड में उनके रहन का स्थान बना रखा उरली गली में, दो गली लगे थी उस मकान में। तो भक्त बोला ये जागरण हो रहा है यहाँ पर, किसी का कोई खुशी हुई है। उनका घर साथ ही था, वो मेरे साथ साथ आ गया थोड़ा सी ऑफ करने के लिए। तो उधर से जागरण शुरू हो रहा था, 5-7 मिनट हो गई थी, 10-1 मिनट। वो खूब गाँव में अरेक उन में जो सबसे जो उनका गायक था वो खड़ा, सारे बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, सारे बोलो पछले बोलो अगले बोलो, नो करता करता रो टेंट में आ गया। वो गाने वाले जय बोल रहे और वो गाँव में फिर अपने साथ, और वो टेंट जहाँ वो रुके हुए थे उसमें बढ़िया और शराब की बोतल, मैं तो पहले पी रहा था, उतर गई होगी वह फिर डाल ली उसमें गिलास में, कैंपा कोला मिलाया। हम उस नो देखे, वो बोला देखा के दिखाऊंगा के, बोला देख यो दारू पी हुए हैं, मैंने ऐसे देखा वहाँ पर पी गए और ला गए गुटी। ने बोला मैं नहीं सुनिया, मैं तू क्या ना सुना तेन तो लाली टूटी, सारे बोलो मैं नहीं सुनिया, बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत संदेश प्राप्त हो रहा है। आप जी कल से सत्संग सुन रहे हैं, परमात्मा और एक आत्मा का संवाद।
इन काल के दूतों ने, अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरुओं ने, मेहनतों ने आत्मा को इतना बिगाड़ दिया, कंडम कर दिया कि ये अज्ञान अंधकार में इतनी भटक चुकी है, समझाने से भी नहीं मान रही। ये भोली आत्माएं इन अज्ञानी गुरुओं को पूर्ण संत मान करके उनके अधूरे इनकम्प्लीट ज्ञान को और पूर्ण ज्ञान मानकर परमात्मा के साथ भी वाद विवाद कर रहे हैं। परमेश्वर की वाणी में है कि गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। ऐसी क्रियाओं पर फंसा दिया, लगा दिया इन भोली आत्माओं को, अब समझाने से भी नहीं मानते, उनको प्रत्यक्ष देखकर भी छोड़ना नहीं चाहते। पूर्ण परमात्मा कबीर देव और एक श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा, पुण्य आत्मा धर्मदास जी का संवाद चल रहा है। परमात्मा कितना निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, आज फिर आपको उसी के विषय में आगे बताया जाएगा। क्योंकि जो ज्ञान परमात्मा ने अपनी आत्मा को दिया है, आप जी भी उसी की आत्माएं हैं, आप जी को भी उसी ज्ञान की आवश्यकता है। एक प्रकार के रोगी चाहे 1,000 आ जाते हैं डॉक्टर के पास, सभी को वही ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हम सभी रोगी हैं, जन्म और मृत्यु का रोग हम सबको लगा हुआ है। जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाने के लिए हमें इसी उपचार की आवश्यकता है, और इसको आप जी ने बहुत ही श्रद्धा के साथ ग्रहण करना है। आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे, परमात्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं, दुर्गा ध्यान पर तिस बगरम ता संगति डूबे सब नगरम। यदि दुर्गा जी का जागरण किसी कॉलोनी में हो रहा है, बगड़ में होता है, उसके उसकी तड़क भड़क को देखकर फिल्मी गाने उसमें गाए जाते हैं, और गायक भी कुछ लेडीज भी होती हैं खड़ी होकर कि वो भी चटक मटक करती रहती हैं, तो उनको देख करके सभी कॉलोनी वाले यही चाहते हैं हम भी ऐसा ही करवाएं, ऐसा ही करवाएं, जिस कारण से पूरा का पूरा गांव, पूरा नगर शास्त्र विधि त्याग का मनमाने आचरण पर आरूढ़ हो जाता है और उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार पूरा नगर का नगर डूब जाता है, डूबना मीन मानुष जीवन को बर्बाद कर देता है। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी तिनकी छूटत है नहीं खानी। जो तीर्थ व्रत करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, व्रत रखते हैं, कहते उनकी 84 लाख योनियों से छुटकारा नहीं हो सकता, उनको ये कष्ट नष्ट समाप्त नहीं हो सकते। हम हैं नरसिंह, हम हैं पीरम, हम ही तोड़े जब जंजीरम। यो रंग रास बिलास हमारा, हमरी योनि सब संसारा। हम ज्ञानी, हम चातुर चोरा, हम ही दस सिर का सिर फोड़ा। परमात्मा कहते हैं हमने ही उस रावण का अंत किया था, श्री राम के बस का उसको मारना नहीं था। दस सिर का सिर फोड़ा, वो दस सिर वाला रावण था, उसको हमने ही मारा। वर्तासुर जब वेद चुराए, हम ही बरहा रूप धर आए। अब परमात्मा उस धर्मदास जी आ प्यारी आत्मा को, जो विष्णु जी को सर्वोपरि मान रहा था, उसको बता रहे हैं कि हमने किया था वो सारा खेल।
जब वर्तासुर वेद चुराए हम ही बरहा रूप धर आए, हम हिरणाकुश उदर विहंडा नरक सिंह रूप गाजनो खंडा। जब प्रहलाद अग्नि में डारे हम हिरणाकुश के उदर विदारे, जब प्रहलाद बांधिया खंभा हम नरसिंह रूप धरया प्रचंडा। अब परमात्मा कहते हैं जब प्रहलाद के साथ जब वर्त्रासुर राक्षस ने वेद चुरा लिए थे, कहते हमने ब्रह्मा रूप धारण करके और वर्त्रासुर को मारा था और वेद सुरक्षित रखे थे। जब वर्त्रासुर वेद चुराए हम ही ब्रह्मा रूप धर आए, और जब हिरण्यकश्यपु ने हिरण्याकुश ने प्रह्लाद को तंग किया था, कहते हमने नरसिंह रूप धार कर उसका पेट पाड़ा था, नरसिंह का हिरण्यकश्यपु का। जब प्रह्लाद अग्नि में डारे हम हिरण्याकुश उदर विदारे, जब प्रह्लाद बांधिया खंभा हम नरसिंह रूप धरया पर चंडा। हमने ही नरसिंह रूप धारण किया। जब भगवान की प्यारी आत्मा प्रह्लाद को खंभे गर्म खंभे से बांध दिया गया था, कहते हमने ही फिर नरसिंह रूप धार के हिरण्यकश्यपु का नाश किया। विष्णु को तो दीनी बढ़ाई हम पूर्ण करतार, गरीबदास जिंदा कह ये सकल सृष्टि हमार। वेद कते बिना जा को पावे 18 प्राण कथा नित गावे, जिन सृजे पुरुषा और नारी ही जाको खोज रहे त्रिपुरारी। जिसको ये त्रिपुरारी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी खोज रहे हैं। शब्द स्वरूपी सब गट बोले पर गट देख नहीं वो ओले, सनक सनंदन ब्रह्मा था के अंत कोट शंकर पद बाखे। निर्णय किने ना किन्या भाई कोटि विष्णु गए दुनी रचाई, कित से बीज पान फल मोरा अंत कोट जा बीज बिजोरा। नारद सारद महिमा गावे अल्प रूप को सो नहीं पावे, अल्प रूप है हमारा अंगा जा अंत कोट त्रिवेणी गंगा। स्वर्ग नरक नहीं मृत्यु है नहीं लोक बंधान, गरीब दास जिंदा कहे शब्द सत्य परमान। शब्द शब्द रहेगा भाई दुनी सब सृष्टि सब पर लो जाई, शब्द शब्द रहेगा भाई दुनी सब सृष्टि सब पर लो जाई। अब परमात्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं कि आप जी विष्णु जी को शंकर भगवान को ब्रह्मा जी को अविनाशी कह रहे हो, ये अविनाशी नहीं है। शब्द शब्द रहेगा भाई दुनी सृष्टि सब पर ले जाई, चलसी कच्छ मच कुरंबा चलसी धोर धरणी अठखंबा। चलसी माने नाश होगा, सब चले जाएंगे नष्ट हो जाएंगे। चलसी स्वर्ग पाताल समूलम चलसी चंद्र सूर्दो फूलम, जो आरंभ चले धर्मदासा पिंड प्राण चलसी घट सुवासा। चले भिष्ट बैकुंठ विशालम चलसी धर्म राय जमसालम, पानी पवन पृथ्वी नासा शब्द रहेगा सुन धर्मदासा। इंद्र कुबेर वरुण धर्म राजा ब्रह्मा विष्णु ईश चले सब साजा। चले माने नाश होगा। चले भिष्ट बैकुंठ विशालम चलसी धर्म राय जमसालम, इंद्र कुबेर वरुण धर्म राजा ब्रह्मा विष्णु ईश चले सब साजा। चले यानी नाश होवे। चले आदि माया ब्रह्म ज्ञानी हम ना चले जो पद परवानी, आदि माया दुर्गा का भी नाश होगा या भी मरेगी, हम नहीं चले क्योंकि हम उस सच्चे नाम के उपासक हैं। अब परमात्मा चाहते हैं कि इसको कोई ना कोई अट्रैक्शन बने सच्चाई का, कि हम इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि हम उस सच्चे नाम के उपासक हैं। हम नहीं चले चले आद माया ब्रह्मज्ञानी हम न चले जो पद परवानी।